हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के बारे में वैसे काफ़ी सारी चीज़ें फेमस हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ है चॉकलेट। तो स्विस चॉकलेट्स पूरी दुनिया भर में फेमस है और उनमें से एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि है लिंट चॉकलेट। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं लिंट की फैक्ट्री में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंट का हाउस ऑफ चॉकलेट है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो एक म्यूज़ियम काइंड ऑफ बनाया है तो उसमें क्या क्या है चीज़ें, और वहाँ पे फ्री टेस्टिंग ऑफ चॉकलेट्स भी होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स भी हमें टेस्ट करने मिलेगी, चॉकलेट फाउंटेन होगा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो वो देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये हाउस ऑफ चॉकलेट जो है लिंट का, ये है किल्जबर्ग में। और किल्जबर्ग जो है वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है ज्यूरिक के। तो ज्यूरिक मेन स्टेशन से आपको पकड़नी पड़ती है S8 ट्रेन, और उसके बाद पकड़नी पड़ती है एक बस 161 या 162 नंबर की, मैं डाल दूंगा वैसे इमेज उसकी, तो उससे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। हम तो हमारे घर से आए हैं तो हमें लगभग लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए 45-50 मिनट्स लगे। तो चलिए अंदर चलते हैं अभी। थोड़ा इसकी टिकटिंग की इन्फॉर्मेशन के दे देता हूँ अभी। तो यहाँ की एंट्री टिकट होती है 15 फ्रैंक्स की। तो 7 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री एंट्री होती है, और उसके बाद 8 से 15 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे 10 फ्रैंक्स की टिकट है, और 16 एंड अबव एडल्ट्स के लिए यहाँ पे 15 फ्रैंक्स की टिकट है। और इसकी जो बुकिंग है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और हम एक्चुअली 2-3 वीक से ट्राई कर रहे थे, बट टिकट यहाँ पे फुल ही हो जा रही थी। तो अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ही बुकिंग कर लीजिए 2-4 दिन पहले, ताकि आपको आपके पसंद का स्लॉट मिल जाएगा। तो स्लॉट्स होते हैं यहाँ पे। वैसे इसकी लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कहाँ पे इसकी बुकिंग कर सकते हैं। चलो अभी अंदर चलते हैं, और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ चॉकलेट्स खाने के लिए। चॉकलेट्स खाने के लिए, यस। वाह, ये कितना सुंदर है, देख एकदम व्हाइट व्हाइट हाउस लग रहा है चॉकलेट। और यहाँ पे है वर्ल्ड का सबसे बड़ा चॉकलेट फाउंटेन जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग। चॉकलेट टोर जो दिख रहा है, यहाँ से हमारी एंट्री अभी अभी हमारे पास टिकट है जिसको हम स्कैन करेंगे और ऊपर जाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ना इनका ऑडियो टूर भी होता है, और वो 3-4 लैंग्वेज में है और इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे ऐसे ये डिवाइसेस रखे हुए हैं, तो आपको ये डिवाइसेस निकालने होते हैं, और उसके बाद जहाँ पे भी ये ऐसा सिंबल निकाला होगा आपको ये वहाँ पे टच करना पड़ता है, तो उसमें फिर ये ऑडियो कॉमेंट्री मिलती है। तो आपको ये हिस्ट्री के बारे में वगैरह थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो दिखाएंगे आपको ये कैसे काम करता है। यस। तो कल्याणी ने भी एक डिवाइस लिया और मैंने भी लिया है, ये मेरा है। यस। हाँ, यहाँ पे एक लगा हुआ है, बट ये आपको आवाज नहीं आएगी। हाँ, टच, टच करना होता है ऐसे, उसके बाद में चल। ये तो इंट्रो ही है बस। यहाँ से हमारा चॉकलेट टूर शुरू हो रहा है। वाओ, कितना अच्छा बना है ना। ये वो कोको का फ्रूट है जिससे चॉकलेट बनती है, और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है अलग अलग सीड्स के बारे में। बहुत सुंदर लग रही है। कि पिक्चर्स में भी दिखाया वैसे है ना कि कैसे होता है। और यहाँ पे ऐसा म्यूजियम बनाया है, और इसमें सब कुछ बताया कि कैसे प्रोसीजर है ये बीन्स बनाने की। सब वो अपना कान को लगा के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये
सो गाइस यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री बताई है कि चॉकलेट पहले कैसे बनाया जाता था, और अभी यहाँ पे इस साइड में अभी शुरू हो रहा है मॉडर्न एरा, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज चॉकलेट कैसे बनाया जाता है लिंट का, उसके प्रोसेस आगे बताइए। तो अभी तो सब मशीन्स वगैरह यही होगा, और आगे में यहाँ पे फिर टेस्टिंग एरिया भी है। ये पूरी प्रोसेस बताइए यहाँ पे 1900 से 1950 तक कैसे किया था, है ना, पूरे मशीन्स। उसके बाद 1950 से आगे एडवांस चॉकलेट्स भी, एडवांस पैकिंग भी, एडवांस 1980s में ऐसे था। देखिए तीन फाउंटेन दिख रहे हैं, एक व्हाइट चॉकलेट का है, एक मिल्क चॉकलेट का है और एक डार्क चॉकलेट का है। वैसे तीन फाउंटेन्स हैं, तो अभी हम भी चलते हैं और टेस्ट करते हैं चॉकलेट को। सो यहाँ पे इन्होंने स्पून्स रखे हुए हैं और टिश्यूज भी है साथ में, तो आपको स्पून लेना पड़ता है अपना, और उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे ये पुल करना पड़ता है लीवर को, तो फिर लिक्विड चॉकलेट आता है नीचे। पूरा कैसे बह रहा है फाउंटेन, बहुत कैसे है, बहुत ही सही है। मतलब लिक्विड चॉकलेट तो बहुत ही कम खाया ना अपन ने। लिक्विड कहाँ मिलती है ना ऐसी, ये तो यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस। ये शायद ये तो यहीं पे टेस्ट करना पड़ेगा आगे। मैं मिल्क चॉकलेट टेस्ट करूँगी। बच्चों को खाने दो, कर लेनी यार। बहुत हेवी है यार ये। कौन सा अच्छा लगा, व्हाइट या मिल्क? व्हाइट भी अच्छा, बट थोड़ा मीठा लगा मुझे वो। व्हाइट ज्यादा मीठा है, मीठा है थोड़ा। हाँ, ये थोड़ा कम है। मेरा तो फेवरेट वही है, डार्क चॉकलेट। बहुत सही है। शशांक अभी डार्क चॉकलेट कर रहे हैं टेस्ट। मीठा है कि है ही नहीं? मतलब जितना डार्क मुझे पसंद है उतना नहीं है। अच्छा, अच्छा है। मैं तो वैसे डार्क चॉकलेट खाता हूँ ना, तो मुझे बहुत पसंद है। तो सब लोग यहाँ मस्त खा रहे हैं, ले रहे हैं बिल्कुल। आप और कितना भी ले सकते हैं, आप जितना चाहे उतना। बहुत ही बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। ये तीन है, वाइट देन मिल्क देन डार्क। बहुत मस्त लग रहा है ना। फाउंटेन जैसे देखे ही नहीं कभी, लिक्विड फाउंटेन। ऐसे कोई मैंने यहाँ पे देखा है, कोई ऐसा ये रहता था ना, क्या एग्जीबिशन वगैरह होता है ना, उसमें हाँ। कभी कभी रहता था ऐसा फाउंटेन, और उसमें आप फ्रूट्स डाल के खाते हैं। अच्छा। हाँ, पर ये मतलब लिंट चॉकलेट का फाउंटेन, मतलब भाई। और लिंट की ना चॉकलेट क्वालिटी तो बहुत ही प्रीमियम होती है, मतलब इतना स्मूथ चॉकलेट होता है। और अब मैं तीनों मिक्स करने वाला हूँ। बच्चों से लेके बूढ़ों तक है ना, सब एंजॉय कर रहे हैं। अब मेरा ये ट्राई कलर बन गया है अभी। यस। जबर। बहुत बढ़िया। मिक्स करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आगे इस चॉकलेट फाउंटेन के सेक्शन से आगे यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन है। और यहाँ पे इन्होंने देखो प्रोसेस बनाई है। तो पहले ये ऐसे सिंपल चॉकलेट है, और ये आगे जाके इसके ऊपर एक वाइट कोटिंग हो गई है अभी। फिर इसके ऊपर ये डिज़ाइन हो रहा है, और अभी इसके ऊपर देखिए ये बादाम रखे जा रहे हैं। और फाइनली ये चॉकलेट अब यहाँ पे रेडी हो गई है। यहाँ पे भी एक प्रोसेस दिखाई है, यहाँ पे बार्स की प्रोसेस बताई है। तो पहले ये खाली मोल्ड है, इसमें चॉकलेट गिरेगी और फिर वो सेटल होगी, और फिर हमारा बार रेडी। बड़ा ही नहीं ऐसी आएगी, आगे आएगी। हाँ, और अब यहाँ पे आपको अलग अलग सैंपल्स टेस्ट करने मिलेंगे। तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, मुझे तो स्ट्रॉबेरी दिख रहा है, सिनेमन, और बाप रे क्या क्या है, देखते हैं आगे। तो स्ट्रॉबेरी है, पेपर है, आलमंड है, ये सिनेमन है, हेज़ल नट है, और कॉफ़ी है। और यहाँ पे ये फ्रूट के फ्लेवर्स हैं, कोको, जिंजर चॉकलेट भी है। बाप रे बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। और यहाँ पे ये इस तरह से चॉकलेट, अभी देखिए यहाँ पे मशीन के नीचे हाथ रखना है तो वो एक प्रॉपर आ जाता है पीस कट के।
मैं भी हाथ फैला रहा हूँ अभी। यहाँ पे ऐसे हाथ हिलना पड़ता है, वहाँ कौन से फ्लेवर का नट वाला है ये? ये है ऑरेंज, ऑरेंज फ्लेवर है। तो गाइस यहाँ पे 6 फ्लेवर्स है, हमने सारे टेस्ट कर लिए और उसमें से बेस्ट तो ये वाला लग रहा है मुझे, जो है सी सॉल्ट और कैरामल। इसके अंदर में उसकी फीलिंग है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये। और यहाँ पे ऐसे चॉकलेट बार से जो कट होके नीचे में आ रहे हैं। सो गाइस हमारा बहुत चॉकलेट टेस्ट करके अभी हो गया है। हाँ। और अभी ये अगला सेक्शन है कॉस्मोस का। यहाँ पे अभी चॉकलेट की पूरी हिस्ट्री बताई है। तो यहाँ पे मैं ये सब मूव करता हूँ, तो जैसे जैसे ईयर इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है कि कौन सी कंपनी चॉकलेट की फाउंड हुई थी। तो ये ग्लोब को आप जैसे टर्न करते हैं ये बता रहा है कि कौन से कंट्री में कितना चॉकलेट कंज्यूम होता है। ये यूएसए का है, ये यूएसए का स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है कि कितना आया है। देखें अब इंडिया पे चलते हैं, इंडिया का कितना आया है, इंडिया का बताएगा? अरे रशिया का बता रहा है, इंडिया का नहीं बता रहा, इंडिया का नहीं बताया इन लोगों ने। इधर क्यों नहीं बताया? अच्छा चाइना, पर इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब इंडिया में चॉकलेट खाते नहीं है क्या लोग? ऐसे कैसे हो सकता है? इस अब कॉस्मोस से अब आ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिंडोर वगैरह जो चॉकलेट्स होते हैं ना इनके, ये बहुत फेमस चॉकलेट्स हैं और ये इनके सारे फ्लेवर्स यहाँ रखे हुए हैं जो आप टेस्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे इन्होंने एक फोटो बूथ बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना फोटो ले सकते हैं। तो हम भी लाइन में लगे हैं, अभी इनके बाद हम फोटो लेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स की टॉफीज रखी हैं, तो ऐसे आप कितने भी यहाँ से सैंपल उठा के खा सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, ऐसे यहाँ पे दिखाएंगे अपने को। हाँ ये रेड वाला तो बहुत ही बढ़िया होता है। यस डेंट मिल्क के है, ऐसे वैरायटी ऑफ रखे हैं बहुत सारे। इंडोर कोकोआ 70%, शशांक ये पसंद आएगा तुझे, 70% कोकोआ। सो गाइज अभी हमारा चॉकलेट का टूर तो ख़त्म हो गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स आप टेस्ट कर सकते थे और आप चाहे उतना ले सकते थे। मैं तो बोलूँगा मतलब पैसा वसूल है पूरा, क्योंकि बहुत सारे चॉकलेट्स खा लिए, अलग अलग फ्लेवर्स भी ट्राई कर लिए। वैसे तो हम काफ़ी सारे पहले भी कर चुके थे, बट कुछ कुछ थे जो कि हमारे लिए भी मतलब सरप्राइज थे। जैसे वो सी सॉल्ट कैरेमल वाला था, वो तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं बाहर जाके भी देखूँगा, मतलब बाहर जाके भी खाएंगे, वो हमने पहले खाया नहीं था। और इसके अलावा यहाँ पे ना एक नीचे में कैफ़े भी है, तो आप बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। तो ये घूमने के लिए आपको 2-3 घंटे लगेंगे और बाद में आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, एंड देन आई थिंक अच्छा खासा एक दिन का बन जाएगा ट्रिप आपका। तो चलिए फिर आगे चलते हैं और क्या क्या है वो देखते हैं। और गाइस यहाँ पे ना इन्होंने एक्चुअल जो मशीनरी यूज़ करते हैं ये लोग, वो रखी हुई है और पूरी प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करी है। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया हुआ है पूरा एनिमेशन, आपको अपना टिकट स्कैन करना पड़ता है और उसके बाद में यहाँ पे अभी वो देखो बॉल आ रहा है और वो फॉलो करके हमें कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। उसके हाथ में आंटी जी हम आ गए।
गाइज ऊपर से हम अभी नीचे आ चुके हैं, तो वहाँ से एग्जिट हो गया है हमारा जो टूर था पूरा, और अब यहाँ पे है लिंट का शॉप। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा शॉप है और यहाँ पे गजब की वैरायटी होने वाली है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से चॉकलेट्स हैं। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है यहाँ, पहले टेस्टिंग कराते हैं फिर जो अच्छा लगे वो खाओ। पहले आप सब टेस्ट कर लो फ्री का खा लो और फिर उसके बाद यहाँ पे आके शॉप करो, ऐसा इनका ये है। बट बहुत ज्यादा चॉकलेट खा लिया आज, लिमिट से ज्यादा। ऐसे लग रहा है अभी एक महीने दो महीने तक चॉकलेट खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। इतना बड़ा शॉप है और इसमें देखो वैरायटी, माय गॉड जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे आके ना ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट की दुनिया में आके खो गए हो। ये देखो ये चॉकलेट वॉल है पूरी। तो गाइज़ यहाँ पे ना ग्राउंड फ्लोर पे ही वॉशरूम के पास में ये लॉकर्स भी रखे हुए हैं, तो आपको बेसिकली अगर आपके पास बैग वगैरह है ना तो आप यहाँ पे आके बैग वगैरह रख सकते हैं और उसके बाद घूम सकते हैं पूरा, एंड देन यू कैन कम बैक एंड टेक योर बैग। तो आपको बैग लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे केसरी टूर का ट्रैवल पैक आ गया और अपने सारे इंडियंस यहाँ पे हैं। अभी हम बाहर निकल रहे हैं वैसे। सो गाइज अभी हम हाउस ऑफ चॉकलेट का जो ये था हमारा पूरा टूर, उससे हम अभी बाहर आ चुके हैं, तो वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मतलब मेन हाईलाइट तो ये था कि आपको अलग अलग टाइप के चॉकलेट्स टेस्ट करने मिलते हैं फ्रीली, और आप जितना चाहे उतना वहाँ पे खा सकते हैं और थोड़े बहुत सैंपल्स आप अपने साथ में भी ला सकते हैं। तो ये हाईलाइट है वैसे, और इसकी जो टिकट है 15 फ्रैंक्स की, आई थिंक वो तो वर्थ है। तो आप भी आ सकते हैं अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो, आपको देखना है यहाँ पे कि कैसे प्रोसेस वगैरह होती है, तो उसके बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी है। और सामने यहाँ पे लेक भी, लेक व्यू भी है, तो आप वहाँ पे जाके भी अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें हमने आपको बाकी यहाँ पे आने की इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।